आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिसके थ्रू आपके बिजनेस को जीरो से ग्रो कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग से आपको समझ में क्या आता है। मैं इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हर किसी को लगता क्या है कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग डायरेक्टली सेल्स कन्वर्ट करती है। मतलब मार्केटिंग आपने करी तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेल होने लग जाएगी डायरेक्टली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली ट्रस्ट बिल्डअप करती है आपके कस्टमर आपके ऑडियंस के साथ, उसके बाद सेल्स आती है। मतलब मार्केटिंग के बाद क्या आता है, ट्रस्ट आता है। वो जो ट्रस्ट होता है, वो जो ट्रस्ट डेवलप होता है आपके कस्टमर के बीच में आपके ऑडियंस के बीच में, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करता है। आपने खुद ने देखा होगा, आप किसी भी दुकान से कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेस करते हो, आप जिसको भी जानते हो आप उसी की दुकान से खरीदते हो। सो ये चीज़ होती है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर। सो मार्केटिंग का बेसिक फंडा होता है कि वो ट्रस्ट बिल्डअप करती है आपके ऑडियंस के साथ, फिर सेल कन्वर्ट होती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कौन सी वो 5 स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। सबसे पहली मार्केटिंग होती है क्लोज वन मार्केटिंग। क्लोज वन मार्केटिंग मतलब आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग आते हैं, आपके रिलेटिव में जितने भी लोग आते हैं, उनको आप पहले प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, कॉल पे बताओ, मिल के बताओ। इससे होगा क्या, क्योंकि वो आपको पहले से जानते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग का मैंने पहले आपको क्या बताया, मार्केटिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है। उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और वो आपके फर्स्ट कस्टमर बन सकते हैं अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ कि वो आपके फर्स्ट कस्टमर बनेंगे जिससे आपका इनिशियल रेवेन्यू जनरेट होगा, और सेकेंड चीज़ जब भी वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उसके मेरिट डीमेरिट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फीडबैक आएगा, आपके पास एक रिव्यू आएगा कि यार जब भी आप बड़े लेवल पर प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्लानिंग करोगे, अगर आप प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, ये चीज़ें जब आपके पास आएगी सो आपके पास एक फीडबैक रहेगा, आपके पास एक रिव्यू रहेगा कि यार ये चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी है, इस पैरामीटर में मुझे प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। मतलब आपके पास एक पहले से फीडबैक, आपके पास पहले से एक सजेशन रहेगा। सो जब हम क्लोज वन मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो कस्टमर है वो कौन है, आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, वो एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्डअप है। सो वहाँ पे प्रोडक्ट वो परचेस कर लेंगे बहुत इजीली। सो यहाँ पे आपका मार्केटिंग एफर्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे बस आपको प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाना है। सो इससे आपका एक इनिशियल रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, आपके पास फर्स्ट कस्टमर भी आ जाएंगे, आपके पास रिव्यूज एंड फीडबैक्स भी आ जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लोज ऑन मार्केटिंग बहुत इजी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है नेटवर्क ग्रुप्स। अब बेसिकली नेटवर्क ग्रुप्स होते क्या है, नेटवर्क ग्रुप्स मतलब जो पहले आपने क्लोज वन मार्केटिंग करी थी, आपके पास इनिशियल लेवल पे 100 कस्टमर थे, 200 कस्टमर थे, जिसके अंदर आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग आते वो हो गए, आपके रिलेटिव में जो लोग आते वो हो गए, उसके बाद आप उनका ग्रुप बनाओगे। उनका ग्रुप आप व्हाट्सएप पे बना सकते हो, उनका ग्रुप आप टेलीग्राम पे बना सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ। मान लो आपने ऐसे 10 ग्रुप बनाए और 10 ग्रुप के अंदर आपने 100 लोगों को भी ऐड करा, सो आपके पास टोटल कस्टमर बेस कितना हो गया, 1000 का कस्टमर बेस हो गया। अब जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, जब भी आप एक नई सर्विस लॉन्च करोगे, सो आप इनिशियली उनको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, आपकी सर्विस के बारे में बता सकते हो। सो यहाँ पे जो आपका इनिशियल मार्केटिंग एफर्ट है वो कम हो जाएगा, और नेटवर्क ग्रुप बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। सो जो भी आपके इनिशियल जो कस्टमर थे, जो भी आपका ऑडियंस बेस था, उसको आपको अरेंज करना है एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो कि आपके इनिशियल कस्टमर रहेंगे जब आपके बिजनेस को स्केल अप करने की तैयारी करोगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग मतलब आपको अकाउंट बनाना है ऑनलाइन डायरेक्टरीज के अंदर। ऑनलाइन डायरेक्टरीज मतलब फर्स्ट जस्ट डायल, सेकंड गूगल माय बिजनेस, थर्ड इंडिया मार्ट। इसके अलावा भी जो भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज है उस पर आपको रजिस्टर्ड करना है, खुद को अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। इससे मेन बेनिफिट ये होगा, जब भी कोई भी पर्सन आपके बिजनेस के बारे में सर्च करेगा गूगल के ऊपर, सो आपका बिजनेस रैंक करेगा। उनको जस्ट डायल के ऊपर, क्वेरा के ऊपर, इंडिया मार्ट के ऊपर, गूगल माय बिजनेस के ऊपर आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां से एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, उससे वो रिटायर्ड भी कर पाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। अगर आपने वहाँ पे कॉलिंग का नंबर दे रखा है तो वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। सो जो कस्टमर है उनके लिए इजी हो जाएगा आपको कांटेक्ट करना, वेबसाइट के थ्रू, कॉल के थ्रू, या आप व्हाट्सएप सपोर्ट देते हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू। सो लोकल लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल लिस्टिंग के अंदर आप न्यूज़पेपर में मार्केटिंग कर सकते हो।
न्यूज़पेपर आप सोचते होंगे न्यूज़पेपर मार्केटिंग अब कहाँ चलती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो न्यूज़पेपर मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग का। अगर आपको लोकल मार्केटिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप बारकोड डाल सकते हो आपके वेबसाइट का, आपके स्टोर का, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट का, जहां से वो उसको स्कैन करेंगे डायरेक्टली और विजिट कर देंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिसके थ्रू आपके पास ऑर्डर्स आएंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। सो लोकल लिस्टिंग के अंदर हम रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन डायरेक्टरीज के अंदर। अगर आप न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर मार्केटिंग भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आती है लोकल लिस्टिंग के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोकल लिस्टिंग भी समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट आपने सुना होगा, कंटेंट इज किंग, मतलब जो कंटेंट होता है उसी के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके बाद आप देखोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप देखोगे वेबसाइट कैसी है, आप वेबसाइट को विजिट करोगे, वेबसाइट पे आप सब चीजें एक्सप्लोर करोगे, ब्लॉग्स देखोगे, जो कोर्सेस रजिस्टर्ड है उनको देखोगे, मतलब यहां सेल कन्वर्ट हो सकती है मेरी भी। जितने ज्यादा वीडियोस पे व्यू आएंगे, जितने ज्यादा लोग उसको देखेंगे, वहां से मेरी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की सेल होने की। सो कंटेंट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपने लोकल लिस्टिंग कर ली है, आपने नेटवर्क ग्रुप्स बना लिए, आपने क्लोज वन मार्केटिंग कर ली, फिर आपको जाना है कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। आपको कंटेंट क्रिएट करना है आपकी नीश का, जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं उसका आपको कंटेंट क्रिएट करना है, फिर उस कंटेंट को आपको डुप्लीकेट करना है सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां जहां भी आप कर सकते हो। इसी चीज को हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और अगर आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो तो अभी रील्स का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। अगर आप रील्स बना सकते हो, आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, तो आप यूट्यूब पे शॉर्ट डालो और इंस्टाग्राम पे रील डालो। यहाँ से आपका एंगेजमेंट भी बहुत इंक्रीज होगा और आपके फॉलोअर्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सो जो कंटेंट मार्केटिंग की मैंने आपको अभी जो स्ट्रेटजी बताई उसको आप जरूर फॉलो करें, अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना है तो। सो अब हम चलते हैं फिफ्थ स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है पेड मार्केटिंग। बेसिकली पेड मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे आप पैसा लगाते हो गूगल एड्स के ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे आपका कैश बर्न होता है, मतलब आपका पैसा लगता है, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है लोगों तक पहुंचता है। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट टूल्स है, एक तो है फेसबुक एड्स, दूसरा है गूगल एड्स। आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हो तो बीच में कुछ एड्स आते हैं, वो एड्स रन कब होते हैं, जब एडवर्टाइजर यूट्यूब को पैसे देता है। आपने फेसबुक में देखा होगा कि बीच बीच में कुछ एड्स आते हैं, कुछ स्पॉन्सर पोस्ट आती है, वो जो स्पॉन्सर पोस्ट होती है, जो वो एड्स होते हैं, वो फेसबुक जब रन करता है, जब वो एडवर्टाइजर फेसबुक को पैसे पे करता है, इसीलिए इसको पेड मार्केटिंग बोलते हैं। पेड मार्केटिंग मतलब आपने किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए, इसको हम बोलेंगे पेड मार्केटिंग। जैसे कि न्यूज़पेपर में हमने मार्केटिंग करी थी तो वो लोकल मार्केटिंग थी, लेकिन वो भी एक तरह की पेड मार्केटिंग थी। सो अगर हम फेसबुक गूगल एड्स की बात करें, सो यहाँ पे आप जो पेड मार्केटिंग कर रहे हो वो ऑनलाइन कर रहे हो, आप लोकल नहीं कर रहे हो, आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन में आप यूएस में टारगेट कर सकते हो, ऑनलाइन में आप रशिया को टारगेट कर सकते हो, ऑनलाइन में आप इंडिया को टारगेट कर सकते हो, आप जो भी कंट्री आपको टारगेट करनी उस कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लोकल लेवल पे टारगेटिंग करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे बस आपको पैसे देने हैं गूगल एड्स को, फेसबुक एड्स को, फिर उसके आगे वो उनका काम करेंगे। सो इसी को हम बोलते हैं पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज या किसी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी को आप अप्रोच कर सकते हो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केटिंग करने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होते हैं वो इन्फ्लुएंसर बहुत मार्केट करते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसका। आपने मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केट करते हैं उनकी वीडियोस के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो उनको पैसे देता है प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज करके मार्केट करने के लिए, उनकी वीडियोस के अंदर, उनकी रील्स के अंदर, उनकी पोस्ट के अंदर। अब ब्रांड्स ऐसा करते क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास ऑलरेडी एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप है, उसने अपनी ऑडियंस के साथ ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है। सो वहाँ पे जो ट्रस्ट वाली चीज आती है वो तो हो जाती नलीफाइड। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल होने की प्रोबेबिलिटी है ब्रांड के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी बहुत अच्छा चैनल समझते हैं मार्केटिंग का। सो पेड मार्केटिंग में आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते। सो ये पांच स्ट्रेटजी थी जिसको आप फॉलो करके आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।